अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारा फर्स्ट लेसन है। हम एक्सरसाइज 4B कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आगे हमने स्टार्ट करना है। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 678 एंड 1976। क्या कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है उसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 678 976 ये आता है। सलूशन इसका कैसे होगा कि जो हमने जो नंबर फाइंड करना है पॉजिटिव नंबर उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमने उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 678 976 आया है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 678 976। तो जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स को तो उसका स्क्वायर बन जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 678 976। अब हमने फाइंड एक्स करना है तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 678 976। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, बाय डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था कि डिवीजन का साइन डाला, उसके अंदर हमने ये जो नंबर का हमने डिवीजन स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको डिवीजन के अंदर लिखा। अब और इनके पेयर्स बना लिए, राइट साइड से आपने पेयर्स बनाने हैं। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। फर्स्ट पेयर के ऊपर कौन सा टेबल जाता है, एट दार। हमने मैंने बताया था कि जो हमने इधर नंबर लिखना है वही नंबर हमने इधर भी रखना है। तो एट दार 64, ये हम 67 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 3। और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों, अगला पेयर जो है दोनों डिजिट्स ये हमने नीचे उतार देने हैं तो ये 389 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो नंबर है 8 इसको डबल करना है तो ये 8 का डबल होता है 16 आ जाएगा। और हमने 16 के आगे दो जो डिजिट लिखना है इधर वही डिजिट इधर भी लिखना है। 162 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 324 आ जाएगा। 389 में से इसको माइनस करेंगे तो 65 आएगा। और 65 अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो अगला पेयर है उसको नीचे उतार लेना है, ये क्या आ जाएगा 6576। और अब हमने पहले 8 को डबल कर दिया था, अब उसको 16 को डबल नहीं करना, हमने 16 ऐसे ही आ जाएगा। जो ये नेक्स्ट डिजिट है 2 इसको डबल करना है सिर्फ, 2 2 4, ये 4 आ गया। अब इसके आगे जो डिजिट हमने इधर लिखना है वही डिजिट हमने इधर भी रखना है। 1644 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6576। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो फिर जो ये जो नंबर आता है, ये नंबर जो आ रहा है इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, किसका, इस नंबर का। सो एक्स विल बी इक्वल टू 678 976 के रूट इक्वल टू 824, दिस इज द आंसर। अच्छा, होम टास्क इस तरह से है कि क्वेश्चन, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ये आपने खुद करना है। अ जनरल हैविंग फार्म्ड हिज 15,400 सोल्जर्स इनटू सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट देयर वर 24 मैन लेफ्ट ओवर ऑफ हाउ मैनी सोल्जर्स डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट। एक जनरल ने अपने जो है उसके सिपाही उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में खड़ा किया है, 15,400 उसके जो है सोल्जर उनको खड़ा किया है तो जो है 24 सोल्जर थे वो रह गए हैं, मतलब वो स्क्वायर से आउट हो गए हैं। तो जो स्क्वायर पीछे जिन का बनेगा वो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 15,400 से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15,376 आ जाएगा। इसका अगर इसके रूट हम फाइंड करें तो फिर जो आंसर आएगा वो
अच्छा इसका जो आगे क्वेश्चन दिखा हुआ, ऑफ हाउ मैनी सोल्जर्स डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट, जो इसका आंसर रहेगा वही हर रो कंसिस्ट करती है जो है सोल्जर्स, और जो फ्रंट रो होगी सेकंड या थर्ड जो भी रो होगी सारी की सारी रोज वही नंबर कंसिस्ट करती है, तो फ्रंट रो भी वही कंसिस्ट करेगी। 1576 का जो उसके रूट होगा वही फ्रंट रो कंसिस्ट करेगी सोल्जर्स। ठीक है, अगर ये समझना है तो ये इसको पढ़ लेना है, ये सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है, हिंट दी हुई है मैंने, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।